अपनी ताकत को अप्लाई कैसे करें। एक्शन के 10 थीम और आइडियाज। इस बुक का दूसरा पार्ट, हर थीम से जुड़े करैक्टरिस्टिक्स को समझकर आपको अपनी ताकत पहचानने में मदद करेगा और साथ में आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और अलग अलग थीम के लोगों के साथ मिलकर किस तरह काम करना है इस पर भी टिप दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं अबुदय, कंसर्न चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको समरी अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। आइए अब जानते हैं एक्शन के 10 थीम का पहला पॉइंट जो है अचीवर। अचीवर और ज़्यादा गोल्स और ज़्यादा सक्सेस पाने की लगातार अटूट इच्छा है। अचीवर्स होने का मतलब है कि आपको हर दिन जीरो से स्टार्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन के आखिर में आपको अच्छा फील करने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करना होगा। जिस दिन आपने कुछ हासिल नहीं किया उस दिन आप खुश नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं हमेशा और ज़्यादा पाने की इच्छा। मेलेनी एक ईआर नर्स है। हर दिन वह सब देखती है जो उन्हें अचीव किया है और उसके लिए खुद को पॉइंट्स देती है। मेलेनी कहेगी, आज मैंने ईआर इक्विपमेंट्स फिक्स किया और डिलीवरी किया। मैंने और मेरी असिस्टेंट ने लॉन्ग बुक को इम्प्रूव करने का तरीका खोजा। मुझे खुद के लिए अच्छा फील हो रहा है। अब जानते हैं अचीवर्स बनने के एक्शन के लिए आइडियाज। ऐसे जॉब पे काम कीजिए जो आपको जितनी आप चाहें उतनी ज़्यादा मेहनत करने की और आपको अपनी प्रोडक्टिविटी अपने हिसाब से मापने की आज़ादी दें। खुद को अपना गोल पूरा करने के लिए समय दें और जब आप उस गोल को पा लें तो खुद को उसके लिए पॉइंट्स दें। अपने सक्सेस को एंजॉय और सेलिब्रेट करें। अपने लिए ऐसा मौका बनाएं जिससे आप और ज़्यादा अचीव कर पाएं। आइए आप जानते हैं अचीवर्स के साथ काम कैसे करें। अचीवर आलसी लोगों से नफरत करते हैं। आलसियों के साथ कड़ी मेहनत से काम करके उसे अच्छे रिश्ते बनाएं। अचीवर्स को बिजी रहना पसंद है, उनके लिए मीटिंग्स बोरिंग होती है। अचीवर्स को ऐसे मीटिंग में बुलाएं जहां वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें, वरना उन्हें उनके काम पर फोकस करने देना ही सही है। आइए अब 10 रीजन में से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है अडॉप्ट करने की खूबी, यानी कि अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी या अडॉप्ट करने की खूबी का मतलब है अभी में जीना। एडेप्टेबल लोग के लिए फ्यूचर वो जगह है जो ऐसी चीज़ों से बना होता है जो हम अभी करते हैं। अडेप्टेबल होना आपको प्रेशर में भी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। भले ये आपके प्लान्स ख़राब करे, एडेप्टेबिलिटी का मतलब है यह समझना कि फ्यूचर फिक्स नहीं है और कुछ भी हो सकता है। जब आप एडेप्टेबल होंगे तब प्रेशर आपको दूसरे की तरह इनएफेक्टिव या अनप्रोडक्टिव नहीं बना सकता। लिंडा एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और वह ऑफिस में सबसे शांत इंसान है। उन्होंने यह महसूस किया कि वह अपने कोवर्कर्स के मुकाबले अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कभी कभी जब कुछ चीज़ें बहुत कम समय में पूरी करनी हो या अचानक आ जाए तब बहुत से लोग घबरा जाते हैं, प्रेशर उन्हें डरा देता है। लेकिन लिंडा के लिए ये जिंदा होने का फीलिंग देता है।
वह प्रेशर जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, वह उन्हें बहुत एक्साइट करता है। इस कारण से लिंडा बहुत प्रेशर में भी बहुत फ्लेक्सिबल और प्रोडक्टिव बनी रहती है। आइए अब जानते हैं अडेप्टेबल बनने के एक्शन के लिए आइडियाज। टेंस सिचुएशन में दूसरों को भरोसा दिलाने वाले शांत इंसान बने। आप चीज़ों की ओर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं उस पर काम करें। दूसरों को अपने लिए प्लान करने दें। ऐसा रोल्स पर फोकस करें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो, जैसे कि ऑफिस के रोज़मर्रा के बदलाव। एडेप्टेबल लोग के साथ काम करना, ऐसे लोग के साथ काम करना आसान होता है क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण दूसरों के लिए आरामदायक माहौल बन जाता है। यह शॉर्ट टर्म या अर्जेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं।